हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा कल यहाँ तक हो गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है, इससे क्या हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है या फिशियल है? क्यों बेनिफिशियल है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो कह रहा है, द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ह्यूज कैनोपी टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन। सर, एटमोसफेयर ना सोलर रेडिएशन से बचाता है, एटमोसफेयर में सोलर रेडिएशन से बचाता है, बिल्कुल सही बात। इट कीप्स आउट डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज, वो कह रहे जो खतरनाक ऑक्सीजन को बाहर रखता है, ऑक्सीजन को बाहर रखता है, उनको बाहर रखता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इट परमिट्स एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ हीट, और ये केवल ऐसा हीट ही अंदर आने देता है जिसको हम एप्रिशिएट कर सकें, एक नॉर्मल टेम्परेचर केवल आने देता है हमारे पास, है ना। अबाउट 47% ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, वो कह रहे हैं अगर सोलर एनर्जी की बात की तो 147% वो 47% ही अर्थ तक पहुंचती है, 53% तो पहुंचते ही नहीं है। देयर बाय टेम्परेचर इज मॉडरेटेड, सीधे से टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल लेता है, अगर सीधी की सीधी हाँ वो रेज आए ना तो हम टेम्परेचर भी मेंटेन ना करते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड आर प्रिवेंटेड, ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, ठीक है। द एटमोसफेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मिलियंस ऑफ मीटियोर्स एंड मीटोराइट पार्टिकल्स विच फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एवरी डे, अर्थ में काफ़ी सारे मीटियोर्स से बचाता है जो डे बाई डे गिरते रहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर दैट द टेम्परेचर्स वेरी, प्रोड्यूसिंग सर्कुलेशन ऑफ एयर विच इन टर्न प्रोड्यूस विंड रेन एंड अदर फेनोमेना ऑल प्लांट एंड एनिमल लाइफ डिपेंडेंट, वो क्या कह रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की वजह से, एटमोसफेयर की वजह से ही दैट टेम्परेचर वेरी, एटमोसफेयर की वजह से ही टेम्परेचर वेरी करता है, जिसकी वजह से एयर प्रोड्यूस होती है, और फिर एयर प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होता है, विंड होती है, रेन होता है, और अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उन चीज़ों पर कहाँ गया पेन, कहाँ गया। दिखाई भी नहीं दे रहेगा, जैसा प्लांट एंड एनिमल लाइफ डिपेंडेड है तो ये तो उन्होंने एटमॉस्फेयर एज अ होल, एटमॉस्फेयर एज अ होल यानी जिसके अंदर 500 लेयर आती हैं, 400-500 लेयर आती हैं, उन सबों को मिलाकर ही उसमें क्या होता है इम्पोर्टेंस। अब एक एक करके पढ़ें, एक एक करके लेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, एक एक करके, है ना। ओजोन इज प्रेजेंट, ओजोन को लिखते कैसे O3, ये भी ध्यान रखना। ओजोन इज प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट्स इन बोथ स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, वो कह रहे ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, ट्रोटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में भी है। द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज जनरेटेड बाई द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट हाई लाइट, वो अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज जनरेटेड बाई द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड बिकम्स अ सीरियस पॉल्यूटेंट। मतलब वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ओजोन होता है ना, ओजोन ये दोनों जगह पे होता है, दोनों जगह पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी ट्रोपोस्फेयर में भी, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करें तो बेसिकली ये कैसे
प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट पल्स ऑफ ऑक्सीजन, पल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब अल्ट्रावायलेट लाइट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में पड़ती है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में पड़ती है। लेकिन अगर हम पेंसिल थोड़ी बड़ी लें, दिखाई नहीं दे रही है, छोटा ही दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है ना। लेकिन जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर होती है, ओजोन के लिए ओजोन कैसे प्रोड्यूस होती है, वहां पर ये होती है जब अल्ट्रावायलेट लाइट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पर नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है, और इस तरह से ये काफी सीरियस पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, यानी लोगों इससे चीजें हम काफी हार्मफुल पॉल्यूटेंट बन जाता है। ठीक है, द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज आल्सो एक्सेलरेटेड बाय सनलाइट एक्टिंग ऑन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री इज आल्सो हाइड्रोकार्बन एमिशंस फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। वो क्या कह रहे हैं, ट्रोपोस्फेरिक लेयर में जो लेयर में जो ओजोन गैस निकलती है ना, ये और ज्यादा बढ़ सकती है, ये और ज्यादा बढ़ सकती है, और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। कैसे ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती कैसे है, तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेज और नाइट्रोजन ऑक्साइड पड़ती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर आपका बढ़ेगा तो सर ये भी चीज भर जाएगी। तो जब इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में से जब नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो सर जो सन की रेज से पड़ती होंगी, तो उससे और एक और पॉल्यूशन बनता होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। वो कह रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से भी जो गाड़ी होती हैं, गाड़ियाँ भी हाइड्रोकार्बन रिलीज करती हैं, तो इन चीज़ों से और ज़्यादा बढ़ जाता है, इन चीज़ों से और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोज द सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, डैमेज बरियल फॉरेस्ट एंड रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स ऑफ वेजिटेबल स्पीशीज। वो कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक लेयर में अगर ओजोन की सबसे ज्यादा होती है, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, क्रॉप यील्ड के लिए काफी डेंजरस बात है, मतलब काफी काफी सीरियस इशू, काफी सीरियस इशू है। ये तो ओजोन उन्होंने बताया कि वो अच्छा थोड़ा सा ओजोन, अरे ओजोन क्या बताया, एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे होती है, इन द अपर एटमॉस्फेयर अ लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड इन हार्मफुल क्वांटिटीज। वो क्या कह रहा है, ऊपर कहीं आसमानों में, आहा क्या बात है, ऊपर कहीं आसमानों में ओजोन की जो लेयर होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है ना, और उसको रोकती है ताकि वो चीज़ों को हार्म ना पहुंचाए, तो यानी कि हार्म पहुंचाने से रोकती है। ठीक है, सिंस ओजोन इज ब्रोकन डाउन बाय सनलाइट, द शॉर्टर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वो कह रहा है क्योंकि ये ओजोन गैस भी जो होती है ना, उसमें से भी सनलाइट की वजह से थोड़ी सी तो ओजोन जो गैस होती है वो मतलब वो क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो थोड़ी सी तो आ ही जाती है, थोड़ी सी तो वो आ ही जाती है। एक्चुअली द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एक्ट एज अ शील्ड, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है ना, वो एक शील्ड की तरह एक्ट करता है ना, प्रिवेंटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस।
और वो उसको रोकता है, ठीक है। द पेरेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कुड नॉट हैव इवॉल्व टू इट्स पेरेंट स्टेट विदाउट द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। क्या कह रहा है? द प्रेजेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, लाइक द पेरेंट इकोसिस्टम हमारा, कुड नॉट हैव इवॉल्व, कुड नॉट हैव इवॉल्व नहीं हो सकता था तो इस प्रेजेंट स्टेट में विदाउट प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। अच्छा, लिखा हुआ है ये हमारा सेवन इकोसिस्टम वो इतना इवॉल्व नहीं हो सकता था, वो कभी भी इतना इवॉल्व नहीं हो सकता था कि वो इस अल्ट्रावायलेट को बचा पाए अगर हम ओजोन लेयर का यूज़ नहीं करते। अगर ओजोन लेयर हमारे पर प्रोटेक्ट हमें प्रोटेक्ट ना करे तो हमारी जो क्या है इकोसिस्टम है वो कभी इतना नहीं, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन आपको पता ना ओजोन लेयर हमारी कम होती जा रही है, ओजोन गैस हमारे यहाँ से कम होती जा रही है एटमोसफेयर से, जो बहुत बड़ा इशू है। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स अ हाई रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन स्पेशली इन पोलर एंड सब पोलर रीजन हैज बीन ऑब्जर्व। वो कह रहे काफ़ी अभी लेटेस्ट सालों में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा तेजी से हमें मालूम पड़ रहा है कि ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, यानी ओजोन गैस जो है खत्म होती जा रही है स्पेशली पोलर और सब पोलर एरियाज में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs कार्बन फ्लोरोकार्बन अमंग द केमिकल सब्सटेंसेस हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन। वो कह रहे हैं इसका एक ही रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और बहुत ही रीजन है पर जो स्पेशली जो मेन रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी वजह से ये हो रहा है। ड्यू टू हाई रेट ऑफ यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन द हाईटेक फील्ड द ओजोन लेयर इज एंडेंजर्ड एंड द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज रिड्यूस्ड। वो कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अदर सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन लेयर है वो खतरे में आ गई है, हर इसको कम हो गई यानी वो काफ़ी वीक हो गई है वो लेयर। दिस इज कॉल्ड ओजोन होल, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओजोन होल, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओजोन होल। दिस डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर में लीड नॉट ओनली टू ब्लू सो हायर बट ऑल्सो हायर इंसिडेंस ऑफ डिजीज। वो कह रहे हैं इस डिप्रेशन के से ऐसा नहीं है कि केवल ग्लोबल प्रॉब्लम से हों, अरे इंसान को सकती हैं बहुत डिजीज भी हो सकती हैं, बहुत सारे डिजीज भी हो सकती हैं इसकी वजह से। फैक्ट फाइव, अब जैसे उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज़ किया आपको पता होगी थोड़ी बहुत, नहीं पता तो पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। फैक्ट फाइव, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स ऑन 1 January 1989 टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ऑफ सब्सटेंसेस विच इनहिबिट ओजोन लेयर। वो कह रहे हैं एक किस तरीके का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लो, रूल्स एंड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो कह रहे हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसका नाम रखा मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कोई सा रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे 1 January 1989 को, इसका पर्पज क्या था, प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर है ना, और सब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बाय फेजिंग आउट द सब्सटेंसेस विच इनहिबिट्स ओजोन, यानी जिस जिन सब्सटेंस की वजह से ओजोन लेयर खतरे में आ रही है उन्होंने सब्सटेंस का यूज करने बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे 1 January 1989। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर 82। The Earth's atmosphere is largely energy from the sun. वो कह रहे हैं जो अर्थ का जो हमारा एटमोसफेयर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किन किन के लिए ट्रांसपेरेंट है, टू शॉर्ट वेवलेंथ एनर्जी फ्रॉम द सन। अगर सन से क्या कह रहे हैं वेवलेंथ आनी है तो हमारे का अर्थ काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, काफ़ी सारी एनर्जी तो हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब एंड क्लाउड्स और हमारे क्लाउड भी कर लेते हैं। सम ऑफ इट इज रेडिएटेड एंड रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, सब कुछ अंदर आ जाती है जिसको हम सनलाइट बोलते हैं और बाकी रिमेनिंग वापस चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, ठीक है। सेवरल गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब दिस हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ एटमोसफेयर।
हमारे एटमॉस्फेयर में काफी गैसेस हैं, और वो गैसेस इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एजोन इसको पकड़ के रख लेती हैं, हीट को वापस बाहर जाने नहीं देती हैं, और क्योंकि फिर वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहेगी तो हमारे यहाँ पे जो माहौल है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसी इन गैसेस को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हीं जो गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट इन ट्रैपिंग द हीट, क्योंकि ये हीट को पकड़ने पर हेल्प करते हैं। वैन देर आर एन इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस भरती हैं बेसिकली, द एवरेज टेम्परेचर इन द एटमोसफियर रेजेस ओवर नॉर्मल, तो सारा टेम्परेचर ही बढ़ता है, लॉजिकल है। वो कह रहा है जब जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं तब तब तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। सर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है इसका मतलब क्या है? सर ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत ही जो गैसेस को पकड़ने का काम करती हैं, और गैस को जब हम पकड़े तभी गर्मी होती है, तो अगर वो ज़्यादा गैसेस पकड़ेंगे तो ज़्यादा गर्मी होगी, नहीं होगी? ज़्यादा गर्मी होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज एटमोसफेयर गैस इन द एटमोसफेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कह रहे हैं इंसान तो इतने काम करते हैं, मतलब अच्छे बुरे सब तरह की, उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ गई है उसी की वजह से। अबाउट हाफ ऑफ द इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, लगभग आधा इंसान यानी 7 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे यहाँ की, आई थिंक पूरे वर्ल्ड की, 7 नहीं 7 बिलियन बोलते हैं ना, हाँ 700 करोड़ की सही थी शायद, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। तो कह रहा है कि कम से कम आधा इंसान तो ऐसा है, आधा इंसान तो 700 में 350 करोड़ तो ऐसे हैं, 350 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, है ना, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। एटमोसफेरिक वार्मिंग विल हैव रियल कंसिक्वेंस ऑन द वर्ल्ड, एटमोसफेरिक वार्मिंग मतलब है ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, लिख लेना यहाँ पे एटमोसफेरिक वार्मिंग के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग विल हैव रियल कंसिक्वेंसेस ऑन द वर्ल्ड, सच ग्लोबल वार्मिंग में इसका रियल इफेक्ट होगा वर्ल्ड पर, फॉर विद दैट वार्मिंग विल ऑल्सो कम एडिशनल सी लेवल राइज लीडिंग टू अ इनंडेशन ऑफ कोस्टल एरियाज, चेंजेस इन द प्रेसिपिटेशन पैटर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ पोटेंशियल चैलेंजेस। इसके से क्या क्या हो सकता है सर? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो सकता है कोस्टल एरियाज में सर, है ना, प्रेसिपिटेशन पैटर्न यानी रेन स्नो वगैरह इनका पैटर्न चेंज हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है सर, पब्लिक हेल्थ खतरे में आता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव ऑल्सो देयर फॉलोड इन चेंजिंग द अर्थ एटमोसफेयर, सर कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लो नेचर से तो लड़ नहीं सकती, वही लिखा हुआ है कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बनाई लेकिन वो कभी फेल हो गई अर्थ के एटमोसफेयर को चेंज करने के लिए जो हमने बनाई, कि हम अपने मन से एटमोसफेयर चेंज करने पर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर रीजन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्नो एंड आइस अराउंड द पोल्स विल रिसीड। वो कह रहा है जैसे पोलर रीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ के जो स्नो है, वहाँ के जो आइसबर्ग वगैरह हैं वो तब मेल्ट हो जाएंगे, हाँ तो लिखा है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्टिमेट्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्टिमेट्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर वर्ल्ड वार्म अप दी एंटार्क्टिका बाय अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है एक एस्टिमेट लगाएगा कि पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया में 2 डिग्री बढ़ते हैं ना टेम्परेचर, तो एंटार्क्टिक में, तब एंटार्क्टिक में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है दुनिया में, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कंसर्न है ये हमारा, ठीक है। दस ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर राइज वुड बिगिन द मेल्टिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। तो वो कह रहे हैं समर में ये तो बहुत ईजी है, बहुत सफिशियंट है कि वहाँ के जो वो क्या कहते हैं आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो कर दे, मैं एंटार्क्टिक में जितने आइसबर्ग हैं सबको अलग अलग कर दे।
ब्रेकअप ऑफ अ वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट वुड इंक्रीज सी लेवल। और अगर ऐसा होता है तो सी लेवल 5 से 6 मीटर इंक्रीज हो जाएगा और 16 to 20 feet वो 5 to 6 meter को फिट में कन्वर्ट कर दिया। दस देर इज अ लेजिटिमेट रीजन टू बी कंसर्न अबाउट द पॉसिबल इवेंचुअल इंक्रीज इन सी लेवल इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर कंटिन्यूस टू इंक्रीज। वो कह रहे हैं ये लेजिटिमेट, लीगली भी अगर देखें तो सोचने वाली बात है कि इसके वजह से क्या क्या हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कितना मतलब ज़्यादा वो है। ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल A rise of sea level amounting to 1 or 2 meters would help the sea level rise होता है 1-2 meter से भी, 1-2 meter से भी तो फिर क्या consequences होंगे, फिर क्या consequences होंगे important है ठीक है। A rise sorry permanent flooding of wetlands and lowlands सब बाढ़ आ जाएगी इनसे। एक्सेलरेटेड कोस्टल एरियाज में बाढ़ आएगी तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी वो खराब हो जाएगी। मैग्नीफाइड कोस्टल फ्लडिंग यानी फ्लडिंग ही आएगी बहुत ज़्यादा लेवल पे। थ्रेट टू कोस्टल स्ट्रक्चर्स, कोस्टल एरियाज वालों को थोड़ा डर रहेगा। इंक्रीज दी सैलिनिटी ऑफ एसिडीज एंड एक्वीफायर्स। सैलिनिटी मतलब पता है एक्वीफायर्स और ये नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है एस्चुरीज, इसका मीनिंग पता है? हाँ है ना, नहीं पता है? एक का तो पता होना चाहिए था आपको सैलिनिटी। चलो देखो सैलिनिटी नोट करो। सैलिनिटी मतलब लिखो सॉल्टी, सैलिनिटी मतलब सॉल्टी। सी का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता नहीं होता, उसमें ऐसा लगता है नमक है, तो सॉल्टी को सैलाइन भी बोलते हैं, सॉल्टी को सैलाइन भी बोलते हैं, तो वही मैंने लिखवाया यहाँ पे। देख लिया, एक्वीफायर्स लिख लो, एक्वीफायर्स सॉरी एक्वीफायर नहीं एक्वीफायर्स। लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर है ना, लेवल को बोलते हैं बेसिकली। एसिड मतलब माउथ एक तरह से। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो जो छोटी छोटी वेव्स भी आती है ना उनकी उनमें भी सॉल्ट होगा, उनमें सॉल्ट होगा तो सॉल्ट भी बाहर आएगा, तो उनके से सॉल्ट जो पानियों में जो सैलिनिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, हो ग्लोबल वार्मिंग का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू थ्री प्राइमरी मेन। ओके कह रहे हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की वजह से भी, एग्रीकल्चर की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। ओके सो तीन क्या क्या रीजन है जिस तरीके हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं? द कल्टिवेशन ऑफ राइस, राइस को कल्टिवेट करने से। द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। ओके द एंट्रिक फर्मेनेस फर्मेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ उन्होंने। ये वर्ड चेक करना पड़ेगा फर्मेंटेशन क्या होता है। ऊपर के तो समझ में आ गए इजी है। And
फर्मेंटेशन, वो कह रहे मतलब ये एक प्रोसेस है जो डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर होती है ना, तो उसकी वजह से ये कह रहा है कि डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर कुछ प्रोसेस होती है जिस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट कल्टीवेशन एनिमल्स कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 20 एंड 15% रेस्पेक्टिवली ऑफ ग्लोबल मीथेन प्रोडक्शन एनुअली। वो कह रहे हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर साल में जो मतलब ग्रीन गैसेस में जो फर्क पड़ता है ना वो कितना पड़ता है। तो वो कह रहा है मीथेन का जो प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से, सॉरी कल्टिवेशन की वजह से 20% और डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से 15% बढ़ती है। रिलेटिवली लिटिल अटेंशन हैज बीन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड हाउ वेरियस चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अफेक्ट दीज एमिशंस। वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से जो फर्क पड़ता है ना हमारे ग्रीन हाउस गैसेस पर, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस की वजह से इन पर ध्यान बहुत कम दिया गया है, इन पर ध्यान बहुत कम दिया गया है। सम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड अ बूम इन एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड्स बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड राइज इन द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड हैव ऑन देम। ओके, ये कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी है क्या, तो बूम आने वाला है, बूम मतलब क्या, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है जिसके हम क्रॉप यील्ड हमारी बढ़ जाएगी। क्रॉप यील्ड यानी थोड़ी सी क्रॉप लगाएंगे बहुत ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा उसका, ना बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन द इन राइज बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर राइज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में राइज होने की वजह से द एलिवेटेड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा इन प्लांट्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द साइज एंड ऑफन इन द इंक्रीज ऑफ दिस स्पेस। उनका साइज बढ़ेगा, उनकी यील्ड बढ़ेगी। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मेन रीजंस में चेंज, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोगों के जो एग्रीकल्चर करने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। फैक्ट 5, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे 16 फरवरी 2015 में जापान, है ना, जापान में टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, ताकि वो अपनी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सके। इट इज एन एनवायरमेंटल थ्रेट बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNCCC के साथ ही बेसिकली एक ट्रीटी साइन हुई थी, एग्रीमेंट होता है। द ट्रीटी एम्स टू डिक्रीज द लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन अ फेज मैनर। उनका मानना था कि उन्होंने ये डिसाइड करके करके ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ई आई नीनो, ये क्या चीज़ होती है सर, पढ़ो के लिखा हुआ ई आई नीनो यानी ए नीनो इज अ पीरियोडिक फॉर्म फ्लो ऑफ वार्म साउथवर्ड इजीली अराउंड क्रिसमस टाइम। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या है, एक पेन खा गया, बहुत छोटा, ये एक पीरियोडिक फ्लो है, ठीक है, जहाँ पे पैसिफिक इक्वेटोरियल से पानी साउथ की तरफ आता है, है ना, पैसिफिक से साउथ की तरफ आता है, और जनरली ये कब होता है, क्रिसमस टाइम के अकॉर्डिंग। इन 1960 द फेनोमेनन वाज लिंक्ड टू द सो कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन शिफ्ट। 1960 में एक्टिविटी को लिंक किया गया सदर्न ऑसिलेशन नाम ऑसिलेशन शिफ्ट के साथ। एंड ई आई नैनो एल इन नैनो जो भी लिखा हुआ है इज ग्लोबल रिसोर्स स्टडीज, और ये ग्लोबल रिसोर्स की मतलब बन गई, ग्लोबल रिसोर्स को बताती है ग्लोबली। द पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ द ओशन वाटर अफेक्ट द एटमोसफेयर, सर जो पीरियोडिकली जो ओशन का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो भी एटमोसफेयर को अफेक्ट करता है, डिसरप्टिंग वेदर कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वेदर को खराब कर रहा है। दो इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो आर कन्फाइंड मेनली टू द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वो कह वैसे इसका इफेक्ट लिमिटेड तक है, लिमिटेड एरिया तक है, जैसे कि पैसिफिक कोस्ट जो अमेरिका में वहाँ तक ही लिमिटेड है केवल, बट इट्स ड्रामेटिक इफेक्ट्स इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न फॉर द वर्ल्ड, लेकिन इसके इफेक्ट में इफेक्ट पड़ता है। इन डिजास्टर्स इफेक्ट इट्स डिजास्टर्स इफेक्ट्स हैव रिजल्टेड इन ड्रॉट इन ऑस्ट्रेलिया, सो इसके जो बुरे बुरे जो इफेक्ट हुए हैं, खतरनाक खतरनाक जो इफेक्ट हुए हैं, उसका इफेक्ट पड़ा ये तो है कि ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया था, पपुआ न्यू जेनेवा यानी इन जगहों पर क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया था,
अ डिलेड मॉनसून साउथ ईस्ट एशिया लेडिंग टू मैसिव फॉरेस्ट फायर। सर क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में सब मानसून यानी बारिश नहीं आई तो वहाँ पर आग लग गई, क्योंकि उसमें कुछ धुआं वहाँ पर जमा हो गया। स्टॉर्म्स ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर तूफान आने लगा। ड्रॉट इन द सदर्न अफ्रीकन, थ्रेट ऑफ फ्लड इन पेरू एंड कैलिफोर्निया, सारे सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। इट्स इंक्रीजिंग सीवियरिटी एंड फ्रिक्वेंसी थ्रू 1980s एंड 1990s, इसकी जो मतलब इसका जो लेवल जो बढ़ता जा रहा था, उसकी सिचुएशन जो बढ़ती जा रही थी, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती आ रही थी 1980s में 1990s में, इसे चीज सजेस्ट कर रहा था दैट दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, कि ये ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट हुए हैं। कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से बढ़ी है। साइंटिस्ट हैव वॉर्न दैट ग्लोबल वार्मिंग कुड मेक एल नीनो परमानेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड वेदर सिस्टम, ठीक है। दिस वुड रिजल्ट इन मार्क्ड चेंजेस इन क्लाइमेट चेंजेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एल नीनो इवेंट अकर्ड वंस इन एवरी 5 ईयर्स, ये जो इवेंट होते हैं बेसिकली जो प्रीडिफाइन होते हैं लोगों के बीच में, तो उसके बीच में मीटिंग होती है, तो ये जो होती है हर 5 साल में एक बार होती है। एंड नॉर्मली लास्टेड अप टू 18 मंथ्स एज रिकॉर्ड्स कलेक्टेड फ्रॉम 1902 टू 1915, लगभग 18 महीने तक चलती है, ठीक है। हाउएवर रिसर्च नाउ सजेस्ट दैट दे आर नाउ अकरिंग एवरी 3 ईयर। हाल फिलहाल अब ये 3 साल 3 3 सालों तक हो रही हैं, नहीं हर 3 सालों में हो रही हैं, ठीक है। इन द लास्ट डिकेड यानी लास्ट 10 सालों में अलोन देयर हैव बीन 5 सच अकरेंस, 10 सालों में तो 5 ही हुई हैं कि नंबर बिगड़ गए इनके, कभी 5 साल में एक बार बोल रहे हैं, कभी 3 साल में एक बार बोल रहे हैं, अब तो 10 साल में 5 करें, 10 साल में 5 करें, मतलब कि हर 2 साल में बात हो रही है, इनके नंबर बिगड़ रहे हैं। मैनी ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाई एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन आर डेवलपिंग कंट्रीज, सर जनरली इनसे जो अफेक्ट होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्ट होती है। दैट आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, और वो भी ऐसी जो एग्रीकल्चर पर फिशरी सेक्टर पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरन एक्सचेंज चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। द फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ दीज इवेंट्स कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज एल नीनो टू हैव ग्रेव सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन दीज कंट्रीज, काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होगा। जी हमारा भालू बाहर कैसे आ गया, अच्छा चैप्टर ख़त्म हमारा है ना, पेन कहाँ गया, ट्राई करना इसके होमवर्क घर पे, ठीक है। मैं आपको पोएम समझा दूँ, ब्रीज का मीनिंग लिखो ठंडी ठंडी हवाएं, सेफ्ट मतलब स्टिक डंडा जो जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अनाय मतलब ही प्लांट्स अ होम टू हेवन, अनाय मतलब बर्ड्स, लिखो बर्ड्स है ना और कुछ नहीं। क्रून मतलब होता है, क्रून मतलब मैंने आपको क्या बताऊं मैं, लोरी नहीं क्या कह सकते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, 2 सेकंड रुको मैं आपको देख के बताता हूँ एग्जैक्ट मीनिंग उसको क्या बोलते हैं, मदर क्रून ऑफ, अरे ध्यान नहीं आ रहा, गुनगुनाना, हाँ गुनगुनाना। हंसते मतलब चुप रहना, ठीक है। टू लाइट का मीनिंग लिखो इवनिंग। ट्रेबल का मतलब लिखो थ्री टाइम्स। हेरिटेज मतलब विरासत, साहब आपको पता ही होगा। फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड मतलब क्या, फारकास्ट थॉट मतलब क्या, फ्यूचरिस्टिक व्यू, और सिविक गुड मतलब क्या, अच्छा सिविलियन गुड। स्टेट्स मतलब क्या मिलाना, हलचल भी कह सकते हैं, ठीक है।
लिख लो फिर इसको आराम से, कल समझाऊंगा, पहले बाद में समझाऊंगा, और बता देना मुझे व्हाट्सएप पर आपकी इसके बाद कौन से चैप्टर में कराऊँ, ठीक है?